Okay, students, so yesterday we were talking about the basis of classification. उसमें हमने body organization वाला topic कर लिया था. Now moving to the next part, that is symmetry. Symmetry का मतलब क्या होता है? It is the arrangement of similar body parts on two sides of main axis of the body. सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड वो बॉडी डिविजिबल है किसी भी एंगल से दो पार्ट्स में इक्वली, तो उसको सिमेट्री बोला जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी विल टॉक अबाउट दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ बॉडीज. फर्स्ट काइंड ऑफ बॉडी इज नोन एज द एसिमेट्रिकल बॉडी एंड नेक्स्ट काइंड ऑफ द बॉडी इज नोन एज द सिमेट्रिकल बॉडी. Asymmetrical kind of body is that the body cannot be divided into two similar parts. For example, most porifers, snails, etc. उनकी जो body होती है वो symmetrically divide नहीं की जा सकती. That body is asymmetrical. Symmetrical type of body is that the body can be divided into two similar parts. For example, in the case of human beings. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ह्यूमन बीइंग्स हैं जो उनको अगर हम सेंट्रल एक्सिस से काटते हैं तो दे आर डिविजिबल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, थस देयर बॉडी इज सिमेट्रिकल. ऑन द अदर हैंड अगर ये वाली बॉडी देखें हम, दैट इज अ बॉडी ऑफ अ स्पॉन्ज, बेसिकली बॉडी ऑफ अ प्लांट. ये प्लांट है जो दैट इज एसिमेट्रिक, इसको किसी भी एंगल से काटो ये इक्वली नहीं कटोगा. वैसे ही बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज होती है कि वो एसिमेट्रिक होती है, उसको किसी भी एंगल से काट लो वो इक्वली नहीं कट हो सकती. एंड उसके साथ आपको ये सिमेट्रिकल बॉडी दिख रही है. सिमेट्रिक बॉडी इज दैट बॉडी जो क्या कट करने पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ द बीटल. बीटल को अगर हम सेंट्रल एक्सिस से काट रहे हैं या ह्यूमन बींग को एक सेंट्रल एक्सिस में काट रहे हैं तो उसके दोनों जो पार्ट होंगे दे विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू टू. नाउ अप टू नेक्स्ट, सिमेट्री इज ऑफ टू टाइप. पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉडी की एसिमेट्री एंड सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल बॉडीज जो होती है वो फर्दर दो टाइप्स की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि मोर देन here the body can be divided into two equal halves by any vertical plane more than one plane along the central axis. ठीक है, जैसे ये पॉट आपको दिख रहा है, ये नाइडेरियन है एक, उसको अगर हम इस एंगल से काटेंगे तो भी वो इक्वली डिवाइड होगा, इस एंगल से काटेंगे तो भी इक्वली डिवाइड होगा, उसके भी 90 डिग्री से काटेंगे तो भी इक्वली डिवाइड होगा, इधर वाले एंगल से काट लो तो भी इक्वली ही डिवाइड होगा. मतलब एक ही बॉडी को हम बहुत सारे एंगल से काट सकते हैं फिर भी वो इक्वली ही डिवाइड हो रहा है. दैट मींस इट इज हैविंग, द बॉडी इज हैविंग रेडियल सिमेट्री. इसके एग्जांपल्स भी कई पॉरिफेरेंस हैं, कई नाइडेरियंस हैं, कई टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स. कल मैंने एक निमोनिक याद करवाया था, पूकी कैट क्लीन्स. तो उसमें से जो पूकी कैट क्लीन्स है और ईटेबल्स वाला पार्ट है दे आर बेसिकली रेडियली सिमेट्रिकल. वो मोर देन वन एक्सिस में से इक्वली डिवाइड हो सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज ऑफ बायलेटरल सिमेट्री. हेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन. एक ही प्लेन में कट करने से बॉडी दो हाफ्स में डिवाइड होगी, उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री. फॉर एग्जाम्पल प्लेटी हेलमेंथस टू कॉर्डेटा एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा. अब प्लेटी हेलमेंथस मतलब फोर्थ फाइलम से लेके लास्ट फाइलम तक के सारे जो फाइलम्स हैं वो क्या है, बायलेटरल है. बट इकाइनोडर्म्स हैं जो इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल. इकाइनोडर्म्स में कौन सा वाला आता है ऑर्गेनिज्म, दैट इज द स्टार फिश. और स्टार फिश हमें पता है कि स्टार फिश को हम मोर देन वन एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं इक्वली. रेडियल सिमेट्री. हेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑरल एंड एबोरल. ऑरल एंड एबोरल का मतलब क्या है, या तो ऑरली या एब ऑरली, मतलब कि ऑरल से जो ऑपोजिट वाला पार्ट होता है एनस वाला पार्ट होता है बेसिकली उसको एबोरली बोलते हैं.
ये आप देख सकते हो, दिस इज अ काइंड ऑफ इकाइनोडर्म एंड दिस इज अ काइंड ऑफ क्रैब, एंड क्रैब को हम नहीं तोड़ सकते. दैट इज एडल्ट इकाइनोडर्म एंड दिस इज अ लार्वल स्टेज ऑफ द इकाइनोडर्म. ठीक है, नाउ अप टू द नेक्स्ट पार्ट. द बॉडी ऑफ बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल हैज डॉर्सल एंड अ वेंट्रल साइड. डॉर्सल साइड इज द अपर साइड, बेसिकली जहां पे हमारी बैकबोन होती है उस साइड को डॉर्सल साइड माना जाता है. और वेंट्रल साइड क्या होती है? डॉर्सल के ऑपोजिट वाली साइड. लेटरल साइड क्या होती है? जो लेटरल लेटरली प्रेजेंट है डॉर्सल एंड वेंट्रल के बीच वाली जो साइड है, दैट इज द लेटरल साइड. देन एंटीरियर जो है, जहां पे सिफेलिक, सिफेलिक मतलब हेड, जहां पे हेड रीजन है, माउथ रीजन है बेसिकली, दैट इज द एंटीरियर साइड. एंड पोस्टीरियर इज द टेल, और जहां पे हमारा एनल कैनाल बेसिकली एनस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर. दिस वाज ऑल अबाउट द बायलेटरल बायलेटरल सिमेट्रिकल वाले ऑर्गेनिजम्स में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये डॉर्सल होता है, ये वेंट्रल होता है, दिस वन इज द इंटीरियर एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नाउ हमारा नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज जर्मिनल लेयर्स. जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं? जब एक जायगॉट बनता है, जायगॉट एम्ब्रियो में डिवाइड होता है, ठीक है, जायगॉट एम्ब्रियो फॉर्म करता है, और उस एम्ब्रियो के सारे सेल्स, किन टिश्यूज, कितने नंबर ऑफ लेयर्स की बनी है, उसको हम डिवाइड करते हैं जर्माइनल लेयर. जर्म लेयर्स बेसिकली क्या होती हैं? एक एम्ब्रियोनल स्टेज में जो ऑर्गेनिज्म होता है, जब वो डिवेलप कर रहा है, तो वो किसी लेयर्स के बेस पे डिवेलप कर रहा है कि उसकी एक लेयर इसमें कन्वर्ट हो रही है, दूसरी लेयर इसमें कन्वर्ट हो रही है. सी, दीज आर द लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. जर्म लेयर्स का मतलब एम्ब्रियोनल डिवेलपमेंट कितनी लेयर से हुई है, कितनी जर्म लेयर से हुई है. ठीक है, इसके बेस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो किसी ऑर्गेनिज्म में डिवेलपमेंट हुई होगी दो लेयर से, या किसी ऑर्गेनिज्म में डिवेलपमेंट हुई होगी तीन लेयर से. ठीक है, सो दिस इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड द अदर वन इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. जिन एनिमल्स में डिवेलपमेंट होती है दो लेयर से, दे आर द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. जिन एनिमल्स में से डिवेलपमेंट हो रही है तीन लेयर से, उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. नाउ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में दो लेयर्स होती हैं, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. दो जर्म लेयर्स का नाम है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. जो बाहर वाली लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोडर्म बोलते हैं. एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मेसोग्लिया. वो जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है, उसमें कोई भी सिलोम नहीं होता. मेसोग्लिया क्या होता है? मेसोग्लिया जेली लाइक सब्सटेंस है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है. मेसोग्लिया इज अ नॉन लिविंग लेयर. एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर लिविंग लेयर. फॉर एग्जाम्पल नाइडेरिया एंड टीनोफोरा. ठीक है, क्योंकि पॉरिफेरेंस तो होते ही सेलुलर लेवल के है, तो उनमें कोई भी काइंड की होती नहीं है बेसिकली डिप्लोब्लास्टिसिटी. बट नाइडेरिया एंड टीनोफोरा क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं. इनकी जो डिवेलपमेंट है सिर्फ दो लेयर से हुई है. दो लेयर कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल तीन लेयर से हुए हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मिडल लेयर आ जाती है जिसका नाम होता है मेसोडर्म. सारे एनिमल्स फ्रॉम प्लैटी हेलमेंथस टू कॉर्डेटा क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. प्लैटी हेलमेंथस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. नाउ हम बात करते हैं सिलोम की. इट इज द कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म. इट इज सीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. ओके, सिलोम क्या होता है? सीलोम जो होती है वो कैविटी होती है. कैविटी के बाहर कौन सा टिश्यू, कौन सी लेयर हमारी प्रेजेंट होती है? मेसोडर्मल लेयर. मेसोडर्मल लेयर इज प्रेजेंट अराउंड द कैविटी ऑफ द गट, मतलब कि बॉडी वॉल एंड द गट. ये देखो, ये हमारी क्या है? ये हमारी बॉडी वॉल है. आपको डायग्राम में दिख रहा है ये? दिस इज द बॉडी वॉल, बेसिकली स्किन. एंड ये जो है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज गट. एंड ये जो उसके बीच की कैविटी है वो क्या है? सीलोम.
दिस होल इज द सिलोम. तो सिलोम के बेस पे भी एनिमल्स को डिवाइड किया गया है. वो कैसे डिवाइड किया गया है कि सिलोमिक एंड ए सिलोमिक एनिमल्स बोला जाता है. ठीक है, सिलोम सेपरेट्स द मसल्स ऑफ द गट एंड द बॉडी वॉल. तो सिलोम के बेस पे हमने थ्री टाइप्स के एनिमल्स है. ए सिलोमेट जिनमें बिल्कुल भी सिलोम नहीं है, स्यूडो सिलोमेट जिनमें सिलोम है लेकिन बहुत ही ज्यादा छोटे प्रिमिटिव लेवल की, फॉल्स सिलोमी एक टाइप की. पहले क्या था, स्यूडो सिलोमेट जो एनिमल्स थे वो ए सिलोमेट की कैटेगरी में ही आते थे, बट बाद में इनको एक अलग कैटेगरी का नाम दे दिया, दैट वाज द स्यूडो सिलोमेट एनिमल्स. एंड लास्ट पे सिलोमेट एनिमल्स जिनमें ट्रू सिलोम ट्रू बॉडी कैविटी है जो वो प्रेजेंट होती है. ए सिलोमेट का मतलब है नो सिलोम, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ सिलोम इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. स्यूडो सिलोमेट का मतलब है फॉल्स सिलोम, देयर इज अ फॉल्स काइंड ऑफ सिलोम दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट. अब देखो जिसमें कोई भी सिलोम नहीं है तो उसकी जो कैविटी फिल्ड है वो मैट्रिक्स से फिल्ड है. किस काइंड के मैट्रिक्स से फिल्ड है, पैरेन्काइमा होता है उस काइंड का, उस मैट्रिक्स का नाम. जो नाइडेरिया एंड टीनोफोर है पॉरीफेरा से प्लैटीहेलमिन्स तक. पॉरीफेरा पूकी कैट क्लींस प्लेट्स. ठीक है, ये हमारे पहले चार जो फाइलम है वो ए सिलोमेट है, इनमें कोई भी सिलोम नहीं है. सिलोम नहीं है तो क्या है, सिलोम की जगह पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है. उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा. स्यूडो सिलोमेट हियर द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. देखो इसमें जो बॉडी कैविटी है पार्शियल बॉडी कैविटी है, बहुत ही कम बॉडी कैविटी है. मेसोडर्मल लेयर्स भी इनमें प्रेजेंट है, बट वो कैविटी के बाहर मेसोडर्म मतलब कि अंदर और बाहर जो लाइनिंग है वो मेसोडर्म की नहीं है, इसलिए उसको स्यूडो सिलोम मतलब सिलोमिक है भी और नहीं भी है. सिलोम वाले कैरेक्टर्स हैं नहीं भी हैं. Thus it is known as false silom. Pseudo silom मतलब false silom बोलते हैं इसको. And इसमें सिर्फ एक ही phylum आता है हमारा, Aeschylhelminths, जिसको हम बोलते हैं apples. ठीक है, Aeschylhelminths are the pseudo silomate. इसमें सिर्फ एक ही phylum आता है हमारा. और Aeschylhelminths के बाद annelida से लेके chordata तक हमारे सारे जितने भी animals हैं दे आर सिलोमेट. इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, मतलब की बॉडी कैविटी और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच एक स्पेस है, वो स्पेस खाली है, बिल्कुल कैविटी है, और उस स्पेस के अंदर मेसोडर्मल लेयर भी है, दैट मीन्स सिलोमेट. और उसमें जो मेसोडर्मल लेयर है बाद में पेरिटोनियल लेयर के नाम से जानी जाती है, और उसमें थोड़ा सा फ्लूइड भी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड. सी सिलोमिक फ्लूइड इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पैरेन्काइमा. ये आपको चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टूड ही होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ थिंग ऑफ कॉमन सेंस. नाउ ए सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बॉडी कवरिंग और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि बॉडी कवरिंग जो होती है वो एक्टोडर्म से बनी होती है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमारा एंडोडर्म से बना होता है. स्यूडो सिलोमेट्स में क्या होता है, बॉडी कवरिंग और मसल लेयर की थोड़ी सी डिफरेंस होता है, थोड़ा सा वो अलग होता है एक दूसरे से, बट फिर भी उसमें मेसोडर्मल कोई भी लेयर नहीं होती. बट इन द केस ऑफ ट्रू सिलोमेट एनिमल्स, ट्रू सिलोमेट में सारे डिफरेंसेस होते हैं. सिलोम का काम क्या है, सिलोम का काम क्या है, इट एकोमोडेट्स विजरल ऑर्गन्स. विजरल ऑर्गन्स मतलब हमारे जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जो हमारे लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, उनके लिए जगह जगह बन जाती है सिलोम की वजह से. सिलोमिक फ्लूइड जब प्रेजेंट है, जैसे कि हार्ट के बाहर हमारे कार्डियक फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है लंग्स के बाहर, ठीक है, एंड इंटेस्टाइन में भी फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट प्रोड्यूसेस अ फ्रिक्शन बिटवीन द विजरल सेंसिटिव ऑर्गन्स बिटवीन. एंड उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है, क्योंकि हमारे जो हायर एनिमल्स हैं लाइक लायन हो गए, काउस हो गए, हम भी हो गए,
दे यूज टू रन एंड दे आर वेरी एक्टिव. ठीक है, अगर वो एक्टिव है तो वो मूव करेंगे. अगर वो मूव कर रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो भी मूव कर रहे हैं. थस इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ताकि कोई भी ऑर्गन उनकी प्लेस से ना हटे.